आज के वीडियो में Redmi Note 6 Pro से कैसे आप बहुत अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं, कैसे कैमरा सेटिंग्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें ताकि आपको अच्छे क्वालिटी इमेजेस मिले, वो सारा चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो जब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आप देखते जा सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाया हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखना ना भूले, हमारे चैनल पर ब्राउज कर सकते हैं वीडियोस। तो देखिए दोस्तों, Redmi Note 6 Pro वेरी नाइस फीचर्स देते हैं Xiaomi, यूजुअली बजट फ़ोन हो या कैसे फ़ोन्स भी। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे सेटिंग्स है, दूसरे वीडियो में मैं बताऊँगा कि मैनुअल सेटिंग्स कैसे यूज़ करें। इस चैनल उसी के लिए फेमस है, जैसे कि आपको पता है बहुत सारे मोबाइल का मैनुअल सेटिंग्स डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो इसका भी मैं ज़रूर करूँगा वो वीडियो, अगर आप चाहते हो कि लाइक पर ठोके। ये वाला यूज़र इंटरफेस है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ये है कैमरा। आप सोच रहे होंगे अभी कि अरे यार मुझे पता है ये है कैमरा, सबको पता है क्या है, लेकिन कब यूज़ करना है ये है कैमरा, कब नहीं यूज़ करना है। तो ये है कैमरा कब यूज़ करना है, क्योंकि मैंने टेस्ट किया हूँ तो इसके वजह से मैं बता रहा हूँ। यूजुअली ये कैमरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा सीन एंड उसके आधार पर आपको अच्छे इमेजेस आना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि कैसे है तो भी सॉफ्टवेयर ही है ना, तो इसके वजह से क्या होता है कई बार अच्छी तरह से डिटेक्ट नहीं हो पाता तो इमेजेस ख़राब आ जाते हैं। तो इसके वजह से आपको ध्यान में रख के कुछ सिचुएशंस पर ही आप कैप्चर करें यह कैमरा यूज़ करके, जैसे कि फ्लावर्स, जैसे कि लीव्स हो, यहाँ पर लीफ है तो ऐसे लीव्स कैप्चर करने के लिए आप डेफिनेटली यह कैमरा को ऑन करके कर सकते हैं। तब जाकर क्या होगा कि थोड़ा सैचुरेटेड इमेज मिलेगा आपको एंड उसके साथ देखिए ब्यूटीफुल लुकिंग शार्प इमेजेस मिलेगा, क्योंकि वो रिकग्नाइज़ कर लिया है कि ये लीफ है तो इसके बेसिस पर अच्छा वर्क करेगा। एंड वैसे ही आप पर्सनस फेस पोर्ट्रेट्स निकालते वक्त भी यह कैमरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि आप दो बार चेक करें कि इमेजेस कैसे आया है, क्योंकि कई बार क्या होता है यह कैमरा यूज़ करते वक्त पर्सनस फेस थोड़ा ज़्यादा ही ब्लर कर देगा, तो इसके वजह से आप इंश्योर करें कि शार्प इमेज है। एंड वैसे ही लैंडस्केप पिक्चर्स निकालते वक्त भी आप यह कैमरा को ऑन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इमेजेस मिलता है। एंड वैसे यहाँ पर फ़िल्टर्स है, ढेर सारे फ़िल्टर्स, आप अलग अलग फ़िल्टर्स यूज़ करके लाइव देखकर कौन सा फ़िल्टर्स कौन से इमेज के लिए अच्छा दिख रहा है उसके बेसिस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सो वेरी नाइस फ़िल्टर्स देते हैं Xiaomi यूजुअली। देखिए यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है इमेज विद गोल्डन बॉल इन द बैकग्राउंड, तो वैसे आप फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फ्लैश है, मैनुअली टर्न ऑन कर सकते हैं, टॉर्च की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि मैनुअली हमेशा ऑन रखने के लिए फ्लैश। एंड वैसे ऑटो है, ऑफ है, इस चीज़ का मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ मैनुअल सेटिंग का, तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे फ्लैश को यूज़ करके बैकग्राउंड सारा डार्क बनाकर आप सिर्फ सब्जेक्ट पर लिट कर सकते हैं, वो वाला इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा, आप देखिए ज़रूर। एंड यहाँ पर HDR है, ऑन एंड ऑफ, तो HDR कब यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लैंडस्केप पिक्चर्स निकाल रहे हैं पार्क में, गार्डन में, या फिर कहीं भी लैंडस्केप पिक्चर्स निकाल रहे हैं तब जाकर आप HDR यूज़ करें। इवन समटाइम्स स्ट्रीट फोटोग्राफी पर भी हेल्प होगा, लेकिन आप थोड़ा गौर करके दो बार इमेजेस कैसे आया है चेक करके फिर कैप्चर कीजिएगा, क्योंकि HDR क्या होता है अगर आप ऐसे इंडोर सिचुएशंस में रख कर कैप्चर करेंगे तो एक तो ब्लर आता है अगर ठीक से नहीं पकड़े हैं आप कैमरा शेक है तो, अदरवाइज़ क्या होता है टू मच ओवर सैचुरेटेड इमेज मिलेगा, तो इसके वजह से आप आउटडोर सिचुएशन में ज़्यादातर HDR यूज़ करें। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 stripes है, यहाँ पर स्ट्रेटन मोड, टिल्ट शिफ्ट है। स्ट्रेटन मोड को कब यूज़ करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्ट्रेटन मोड देखिए यूजुअली लैंडस्केप पिक्चर्स कैप्चर करते वक्त आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लैंडस्केप पिक्चर्स में यूजुअली हमेशा के लिए आपको हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड रखना है लेवल, ताकि प्रोफेशनल जैसा इमेजेस मिले। एंड इवन ऐसे सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना क्रॉप हो गया ना इमेज में, तो इतना सब्जेक्ट सारा चला गया, तो इसके वजह से ज़्यादा हेल्प नहीं होता है, बट खैर फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट टिल्ट शिफ्ट है, ये सर्कल एंड स्ट्रेटन है, दो है यहाँ पर। तो टिल्ट शिफ्ट यूजुअली ऑनर फोन्स में बहुत अच्छा कस्टमाइज़ करने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड है, तो अगर आप डबल टैप करेंगे तो इन्वर्टेड होगा, मतलब कि थोड़ा फेस पर ब्लर जैसा ऐसे इफेक्ट्स चाहिए तो आप ज़रूर इस टिल्ट शिफ्ट को इन्वर्टेड लुक बनाकर आप कैप्चर कर सकते हैं। एंड डबल टैप करेंगे तो सर्कल होगा एनेबल फिर से। तो यहाँ पर आप देखिए जो बीच में सर्कल में जो है, टैप टू फोकस यूज़ करता हूँ ना, तो यहाँ पर जो है इतना शार्प है, द रेस्ट ऑफ द थिंग जो है ब्लर कर देगा। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर सारा ब्लर कर दिया है, मतलब कि बोके भी नहीं आएगा, बैकग्राउंड कम्प्लीटली ब्लर कर देगा।
तो अगर आप ऐसे इमेजेस चाहते हैं तो ऐसे सर्टेनली सर्कल या फिर पैरेलल यूज़ करके आप कैप्चर कर सकते हैं। पैरेलल मतलब देखिए ऐसे स्ट्रेट फ्रेम्स में अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो पैरेलल रख के आप ज़रूर कैप्चर कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में ज़रूर हेल्प होगा। तो एंड इवन यहाँ पर आप ऐसे क्रॉस कुछ भी नहीं कर सकते, अगर ऑनर फोन्स होता तो ईजिली कस्टमाइज कर सकते थे, लेकिन इसमें कस्टमाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट वन इज टाइमर, वैसे ही सेटिंग्स, ग्रुप सेल्फी है, ब्यूटी है। तो सेटिंग्स में क्या करना है देखिए, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, वो देख सकते हैं आपकी कौन सा सेटिंग्स कहाँ पर रखना है। लेकिन इस वीडियो में एंटी बैंडिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 60 Hz रखना है आपको, फ्लिकर कुछ नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट रिड्यूस तो होगा फ्लिकरिंग, अदरवाइज ज़्यादा फ्लिकरिंग मिलेंगे आपको लो लाइट कंडीशंस में। तो फ्लिकर निकालने के लिए 60 Hz, एंड यहाँ पर ऑटो एक्सपोजर सेटिंग्स आप डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सीन्स आप चेंज करके रखना है। इसको मैं सेपरेट से वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो ज़रूर देखिए, लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं वॉल्यूम बटन जो है, कैसे आपको चाहिए वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम बटन आप शटर मतलब कि फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जूम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी वॉल्यूम बटन फंक्शन जूम करने के लिए रखा हो ना, तो यहाँ पर जस्ट मैं ऐसे करते जाऊँ तो देखिए स्मूथ ऐसे आप जूम कर सकते हैं वॉल्यूम बटन को यूज़ करके। एंड वैसे ही आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इवन वॉल्यूम चेंज करने के लिए, तो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस आप चेंज कीजिए। ड्यूअल कैमरा वाटरमार्क है, इस चीज़ को बदल नहीं सकते, लेकिन ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं। वैसे ही प्रेस एंड होल्ड शटर बटन बर्स्ट शॉट मिलेगा, विच इज़ वॉट यू हैव टू कीप इट फॉर। तो वैसे ही कैमरा फ्रेम यहाँ पर 4:3 एंड 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। अगर आप अपने फोटोज़ ज़्यादा से ज़्यादा टीवी पर देखते हैं तो आप डेफिनेटली 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करें पिक्चर्स को, नहीं तो आप 4:3 में फुल रेजोल्यूशन में कैप्चर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए पिक्चर क्वालिटी हमेशा के लिए हाई रखना है, ना कि स्टैंडर्ड और लो, तो ये एक बात ध्यान में रखना है। एंड अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर से कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे शटर बटन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर है स्विच, इसको ऑन कर सकते हैं। एंड इतने सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रिड लाइंस यहाँ से एनेबल करना पड़ता है। अगर आप सेल्फी ले रहे हैं एंड उल्टा आ रहा है इमेजेस मतलब कि फ्लिप होके आ रहा है, तो मिरर फ्रंट कैमरा करके यहाँ पर सेटिंग है, तो इस चीज़ को ऑफ एंड ऑन करके दो बार कैप्चर करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या है सेटिंग वो। वैसे ही वीडियो मोड यहाँ पर 1080p 60 frames per second नहीं दिया है अनफॉर्चुनेटली, तो 1080 30 फ्रेम्स पर सेकेंड ही है रेजोल्यूशन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एंड वैसे ही टाइम लैप्स इंटरवल भी है, एंड वैसे स्लो मोशन है, स्लो मोशन इतना बढ़िया नहीं, वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग, पता नहीं क्यों Xiaomi ने अच्छा वाला स्लो मोशन नहीं दिया है। वेरी लो रेजोल्यूशन और उसके साथ आई थिंक सिर्फ 240 फ्रेम्स पर सेकेंड भी आता है कि नहीं, वो भी डाउट है। एंड वो भी स्लो मोशन अगर आप ले रहे हैं तो डेफिनेटली फुल ब्राइट लाइट कंडीशंस में लेना है, डार्क सिचुएशन में लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लिकर मिलेगा। ऐसा नहीं कि कैमरा अच्छा नहीं, ऐसा नहीं कि मोबाइल अच्छा नहीं, ये प्रॉब्लम है कि लाइटिंग अच्छा नहीं, इसकी वजह से स्लो मोशन बेकार आते हैं। एंड नेक्स्ट वन टाइम लैप्स तो है ही स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, स्ट्रीट टाइम लैप्स निकालने के लिए, वैसे यहाँ पर उसका सेटिंग्स है। शॉर्ट वीडियो, अगर आप 10 सेकंड्स वीडियो निकालना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो रखकर आप कैप्चर कर सकते हैं 10 सेकंड्स शॉर्ट क्लिप। तो वैसे ही पोर्ट्रेट मोड है, तो पोर्ट्रेट मोड से आप कैप्चर कर सकते हैं इमेजेस को, यहाँ पर अच्छा बैकग्राउंड बोके इफेक्ट देगा आपको पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करते वक्त। जस्ट आपको इंश्योर करना है कि डिस्टेंस ठीक रहना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत सारा सॉफ्ट कर देगा इमेजेस को। अगर आपके पर्सन बहुत सॉफ्ट आ रहे हैं अपने मोबाइल में, तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ठीक से मेंटेन करना है, तब जाकर आपको अच्छा बैकग्राउंड बोके मिलेगा। देखिए कितना अच्छा बैकग्राउंड बोके अभी रिकॉग्नाइज करके बता रहा है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर Xiaomi अच्छा फीचर दिया है, इंट्रोड्यूस किया है नया, जो कि यहाँ पर गैलरी में आपको ये वाला, तो इस आइकॉन को अगर आप टैप करेंगे यहाँ पर ब्लर लेवल एडजस्ट कर सकते हैं, कितना ब्लर चाहिए उतना ब्लर कर सकते हैं। लाइट ट्रायल्स है तो उस बोके को आप चेंज कर सकते हैं, देखिए कितना यूनिक थिंग रहेगा, तो जितना बैकग्राउंड ब्लर हुआ है उतना वो अफेक्ट करेगा। तो स्टूडियो लाइटिंग भी है, अगर ये फेस यहाँ पर था, एक क्योंकि मिनियन है तो फेस रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है, तो वैसे आप प्रो स्टूडियो लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ रियली ऑसम। तो आप ज़रूर ट्राई करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है स्क्वायर, तो स्क्वायर इंस्टाग्राम के लिए ज़्यादा हेल्प होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ फ्रेम क्रॉप नहीं हो रहा है, लेकिन 1:1 एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, तो झट से आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू क्रॉप। तो पैनोरामा है, एंड वैसे मैनुअल मोड है, मैनुअल मोड का अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इतने सारे मूड्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुआ हो तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करके बने रहना। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।